Hey everyone, I hope you all are doing good. So guys, this is Sushmita and welcome back to my channel. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे लाइफ का सबसे स्पेशल ब्लॉग, तो बने रहिए मेरे साथ. तो ये दिन था 9th ऑफ नवंबर को मेरी रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं था, तो एज यूजल हम चेकअप के लिए 10th नवंबर मॉर्निंग को हम लोग ऐसे ही चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे. तो क्या हुआ उस दिन, मेरा 9th मंथ चल रहा था, तो हमने हॉस्पिटल बैग ऐसे ही पैक करके रखे हुए थे कि चलो जब कभी काम आ जाए तो उसके लिए. लेकिन हमें कोई अंदाज़ा नहीं था उस दिन कि क्या होने वाला है. तो उस दिन मैं जा रही थी डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल जा रही थी, तो पता नहीं था कि लाइफ में उस दिन बहुत चेंज आ जाएगा. अंदर से बहुत एक नर्वसनेस भी थी कि कभी ऐसे मतलब हॉस्पिटल वगैरह में एडमिट नहीं हुई, हॉस्पिटल वगैरह और वोटी रूम में कभी नहीं देखा था. तो ऐसे ही बहुत नर्वसनेस में मैं हॉस्पिटल पहुंची, और पहुंचने के बाद मुझे लगा था कि डॉक्टर मुझे देख के छोड़ देंगे, लेकिन कुछ अलग ही हुआ. तो ये है मेरी हॉस्पिटल Cloud 9 व्हाइटफील्ड वाला बेंगलोर का, जहाँ पे मैं पिछले 9th मंथ से मैं यहाँ पे चेकअप करती थी, रोज़ आती थी. तो अलग से ही फीलिंग था. मेरी डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मीता चौहान, जो बहुत बहुत मतलब बहुत ही अच्छी है. मैं आप सबको, अगर आपको कोई अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट चाहिए तो मैं ये रेकमेंड करूँगी, अगर आप बेंगलोर में हैं तो मीता चौहान मैम के साथ ज़रूर ज़रूर एक बार मिलिए. बहुत ही मतलब अलग है उनका बिहेवियर सब कुछ. तो हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे पता चला कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है और मुझे अभी सी सेक्शन करना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं इतना प्रिपेयर नहीं थी, और मन में भी बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोले कि नर्वसनेस थी. तो पता नहीं क्या हुआ. तो मैं आपके साथ मेरी सी सेक्शन एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन ये मेरा स्पेशल दिन है. किसी और वीडियो में मैं सी सेक्शन कैसे मेरे एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मेरा जो उस दिन मैंने क्या क्या फील किया था वो शेयर कर रही हूँ. तो ये देखिए, मुझे ओटी के लिए एकदम रेडी कर लिया है, और मुझे जो चैनल है वो भी फिट कर दिया था उस टाइम तक. तो बहुत नर्वस थी, किसी से भी मिल नहीं पा रही थी. ऐसे ही मुझे एक रूम में पूरा एकदम ऐसे ही सब कुछ, मैं प्रिपेयर नहीं थी, तो सब कुछ मतलब क्या बताऊँ, नर्वस थी बहुत ज़्यादा. तो किसी से भी मिलने नहीं दे रहे थे तब तक. तो एक रूम में मुझे सेलाइन लगा के, चैनल लगा के दे दिया था. तो मन में एक खुशी भी थी कि इतने दिनों से पल पल जिसका वेट कर रही थी, आज उससे मैं मिलूंगी. तो अभी मैं ओटी के लिए बिल्कुल रेडी हो रही है. ओटी के पहले वाला एक वीडियो क्लिप है, और उसके बाद मैं ये सीधा दिखा रही हूँ ओटी के बाद मेरे रूम का वीडियो. एक्चुअली इतना जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया ना, तो मैं क्या बताऊँ. लेकिन हाँ, मैं अपना वॉटी रूम का और सी सेक्शन डिलीवरी का पूरा एक एक्सपीरियंस पूरा एक वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ. और हाँ, आगे कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कुछ वीडियो आने वाला है, तो वो भी मैं एक मैं शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने पूरा अगर होल प्रेगनेंसी पे मैं क्या क्या फील किया, क्या क्या मैंने यूज़ किया, कि ताकि किसी का हेल्प मिल जाए, इसके लिए मैं ये शेयर करने वाली हूँ. और कुछ दिनों में ये आएगा. तो अभी तो तबीयत इतना ठीक नहीं था, और मैं चाह रही थी कि मैं अपने बच्चे के साथ, बेबी के साथ पूरा टाइम बिताऊँ, तो इसके लिए मैं ज़्यादा ब्लॉग वगैरह भी नहीं दे पा रही थी. तो अभी ये दूसरे दिन का वीडियो है कि जहाँ पे मुझे मिल दिया गया है. पहले वाले दिन तो मुझे कुछ नहीं दिया गया था, हाँ वो मैं शेयर करूँगी दूसरे वाले दिन क्या क्या दिया था. तो ये देखिए, ये दूसरे दिन का तो नहीं, हाँ थर्ड डे का वीडियो है ये, जहाँ पे मैं पूरा एकदम फिट हो गई हूँ और खड़े होके मैं खुद से वीडियो बना रही हूँ. और अगर कोई, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर कोई मतलब
निगेटिव कमेंट करे कि हाँ मतलब ये सब शेयर करने की क्या ज़रूरत है, दिखावा है, लेकिन हाँ मैं ये अपना एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ ताकि किसी और को भी थोड़ा सा हौसला मिले, किसी को भी थोड़ा सा मतलब आइडिया मिले कि क्या होता है सब कुछ, कैसे हम मैनेज करेंगे। एक्चुअली मैं भी जब प्रेग्नेंट थी तो सब कुछ मैं वीडियो ऐसे ब्लॉग मतलब देखा करती थी। और ये तीसरे दिन का वीडियो है जहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी ठीक हुई हूँ, और ये बाहर का कुछ नज़ारा है, और इस दिन मैं थोड़ा सा एक्टिव हुई हूँ। और ये देखिए मेरा चैनल भी खोल दिया है और मैं रेडी हूँ अभी घर जाने के लिए। तो लीजिए मैं चली घर आज नए मेहमान को लेके, और क्या बताओ ये एक्सपीरियंस ही कुछ अलग है गाइस। और यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरी मम्मी और सासू माँ, घर पे तो कोई नहीं है तो मम्मी और सासू माँ ही हैं, तो वेलकम के लिए इतना कुछ वो लोग अरेंज नहीं कर पाए, थोड़ा कुछ ही था जो उन लोगों ने, मैंने सोचा नहीं था इतना कुछ कर पाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए एक सरप्राइज ही है। जहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा कैंडल वगैरह से कुछ कुछ डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है उन लोगों ने, तो ये एकदम मतलब स्पेशल फीलिंग है मेरा। तो घर में कोई नहीं था और मम्मी लोग यहाँ पे मतलब बाहर भी नहीं जा पाते थे, तो जितना भी हुआ उन लोगों ने किया, तो मेरे लिए ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वैसे भी स्पेशल था तो उस दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एक नए मेहमान आए हैं हमारे घर तो इसके लिए, तो आप देखिए कैसे उन लोगों ने थोड़ा सा मतलब घर में जो कुछ भी था बेबी शावर का जो थोड़ा मोटा था वो उन लोगों ने फिर लाइट वगैरह लगा के मेरे रूम को इस तरह से कुछ सजा के रखा है। सो गाइस आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू।